इन फिगर 13.98 एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 2a, हर एक का साइड क्या दिया है 2a, स्क्वायर का इस साइड 2a है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस, किसके, यहाँ पे देखिए इस वाले सर्कल का और ये बड़े वाले सर्कल का, हमें रेशियो निकालना है इनके सर्कमफेरेंस के, तो दोनों का रेडियस पहले पता होना चाहिए, रेडियस पहले पता होना चाहिए ना। चलिए अब इसके लिए हम लोग पहले समझते हैं, तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है जो कि है 2a, तो इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि ac का वैल्यू क्या होगा, तो ac जो होगा रूट टू इंटू में साइड होगा, यानी कि याद आएगा ac इक्वल टू में टू रूट टू ए, ठीक है। तो अगर oa की बात करें तो आपका हाफ हो जाएगा ना ac का, यानी कि टू रूट टू ए बाई टू, रूट टू ए आ जाएगा, ये रूट टू ए हो गया। तो अब यहां पर अगर हमने यहां एक यहां ई दे देते हैं, ई है ना, तो ये ओई परपेंडिकुलर जो है ए बी पर, इस ओई की वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए जब ये परपेंडिकुलर होगा ना तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। चलिए ओई परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो यहां से ए इक्वल टू में बी इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी, यानी कि आ जाएगा ए इक्वल टू में बी इक्वल टू में ए। तो अब यहां पे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ओई के लिए, इन ट्रायंगल ए ओ ई, यहां पर अगर हम लोग ओई की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, यानी रूट अंडर रूट टू ए का स्क्वायर और माइनस में ए का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट अंडर टू ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर बच जाएगा और ए स्क्वायर यानी कि ए आ गया। तो ये इसका रेडियस ए हो गया अंदर वाले इन सर्कल का, और आउटर वाले का तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं आउटर वाले का ये ओ ए हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ दो सर्कल है ना, एक अंदर के तरफ जो है इन सर्कल है ना जी, तो उसका रेडियस यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल उसको स्मॉल आर से गुण करते हैं वो ए हो जाएगा, और रेडियस ऑफ क्या था जी, सर्कम सर्कल जो है बाहर वाला सर्कम सर्कल वो क्या है, उसका रेडियस कैपिटल आर से गुण करते हैं और वो है रूट टू ए। तो हमें क्या निकाला, पहला में सर्कमफेरेंस का रेशियो, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, इन दोनों के रेशियो, तो पहले वाले का हो जाएगा 2 पाई आर और इसका हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर, ये इससे कट जाएगा, ये ए और बाई में आ जाएगा रूट टू ए, ये इससे कैंसिल 1 बाई रूट टू, यानी कि वन रेशियो रूट टू हो जाएगा। अच्छा फिर अब एरिया का भी रेशियो निकालना है तो